विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12 फेल से फैंस के दिलों को जीतने वाली एक्टर विक्रांत मैसी आने वाले समय में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बीते दिनों से इस मूवी को लेकर एक्टर का नाम चर्चा का एक विषय बना हुआ था और अब सच्ची घटना पर बनी द साबरमती रिपोर्ट का एक और लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में साफ दिखाया गया है कि यह फिल्म एक दर्दनाक हादसे की दिल दहलाने वाली कहानी को बयां कर रही है। कुछ टाइम पहले डायरेक्टर रंजन चंदेल के डायरेक्शन में बनने वाली द साबरमती रिपोर्ट का अनाउंसमेंट वीडियो लॉन्च के जरिए किया गया था। तब से इस मूवी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और अब उनकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ने वाली है क्योंकि मेकर्स की तरफ से द साबरमती रिपोर्ट का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर बैनर तले बनने वाले इस फिल्म के टीजर में साल 2002 में गुजरात में हुए खौफनाक ट्रेन हादसे की कहानी को दिखाया गया है। इस घटना की सच्चाई बताने में मीडिया कर्मियों ने किस तरह से भूमिका अदा की उसे द साबरमती रिपोर्ट के टीजर में साफ तौर पर दर्शाया गया है। विक्रांत मैसे इस मूवी में एक न्यूज रिपोर्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी इस फिल्म में अहम रोल अदा कर रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो द साबरमती रिपोर्ट का ये टीजर काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इस टीजर के सामने आने के बाद हर कोई विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह मूवी जल्द ही 3 मई 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं ऋषिका जांगिड कैमरा पर्सन वसीम के साथ वी हुआ।